बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। R7 लाइव न्यूज, और इस समय हम पहुंचे हैं रायबरेली जिले के सरेनी विधानसभा, जहां पर आज हम सर्वे कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यहां के जो मौजूदा विधायक हैं वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं या नहीं। यहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार का क्या माहौल है। भैया क्या नाम है आपका? राम से नहीं यादव। भैया क्या लगता है इस बार का क्या माहौल होगा? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आखिर क्या कारण है? अब इनके कामों से, इनके कार्यक्रमों से लोग नाराज हैं, इसी वजह से जो है इनकी सरकार बनना मुश्किल है। नहीं, भाजपा सरकार तो कह रही है कि उसने विकास किया है, काम किया है, काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, कौन सा काम? लोगों को आवास दिए गए, शौचालय दिए गए, फ्री राशन दिया जा रहा है। नहीं नहीं, आवास तो पूर्व सरकारों में दे गए हैं, राशन पूर्व सरकार से बट रही है, कोई इनकी इनकी योजना तो है नहीं है कि इन्होंने योजना लागू किया, नई योजना चालू किया है। तो मुख्यमंत्री के कौन रूप में कौन सा चेहरा पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और हमारे साथ यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगाराम यादव। भैया क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये सपा की सरकार बनेगी। क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग खेत ताके ताके अघा गए हैं, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, खेतों से हराहा खेत के आओ, फिर अचरा, फिर आए खाना खाना मुहाल है। हम लोग इसलिए परेशान हैं कि अपनी ये जानवरों का सुधार करा दें योगी जी तो बहुत अच्छा है। सरकार तो गौशाला बनवा रही है ना? गौशाला बनवाया है, गौशाले में दिन में पानी और रात में खोल दिया, जानवर जा रहा पर यही जहाँ का जाए, आज़ादी की पहरे पर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है और किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में। भैया क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश यादव। क्या कारण है? हम अनचे परेशान हैं, मुराई बाग आए तो हर थाने के फोर्से खड़ी रहा थी, गाड़ी में कागज रहा थे, तब बहुत दुई लठ पर थे, चालान अलग से, सब कागज होते हुए भी कानून बेइज्जत होते, मार खाते, कानून निकल नहीं पावत रहे। हम लोग तो दुकानदार ही हैं, सब पूरे दुकानदार परेशान। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था तो इस तरह से देखा जाए तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे तो ये नहीं का कानून व्यवस्था तो है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। यहाँ हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल होगा। भैया इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। क्या कारण है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानवर वाली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानवर वाली, जानवरों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सबसे अगर मेन समस्या देखिए जानवरों, जिससे किसान बहुत आघात है। तो जो आपके मौजूदा विधायक वो जनता के बीच में आते हैं? हाँ, बराबर आते हैं, बराबर मुलाकात होती है। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और यहाँ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। आइए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम निर्भय प्रताप सिंह है। भैया क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब वो तो खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन बनेगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो भी हो ईमानदार आदमी बने, जो देश की तस्वीर दोनों बदल दे, तकदीर और तस्वीर। और अब बाकी क्या कहा जाए, बाकी जनता के ऊपर है। अच्छा, जब सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जा रहा है, तो इससे ईमानदार सरकार कौन सी होगी? बात तो कुछ सही हद तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सही है कि जो है कि बीजेपी ने जो उसके काम हैं उस हिसाब से तो सबसे अच्छी गवर्नमेंट हम कहेंगे कि सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। अब बनेगी तो भाजपा की सरकार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, और कौन बनेगा? चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। ये हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। भैया खड़े हो जाए जरा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक सिंह।
क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इस बार बहुत जोर शोर से भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और इसीलिए सब विपक्षी खड़भड़ाए हुए हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था ये गौ की समस्या बता रहे थे भाई साहब, तो गौ कोई योगी आदित्यनाथ या मीडिया वाले या मोदी जी या अमित शाह ने तो छोड़ा नहीं, ये हम लोगों की समस्या है। आप लोग अगर चार चार जानवर अपने घर में रखें तो ये जानवर कहाँ से छोड़ते हैं? हम ही लोग तो छोड़ते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं जानवरों का। मुद्दे की बात करिए विकास की, स्टेट हाईवे से लेके इतनी योजनाओं को भाजपा ने जोड़ा, महीने में दो बार मुफ्त का राशन दे रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए इस सरकार में जो कि जैसे आवास हुए, शौचालय हुए, इसको प्राथमिकता पे लिया गया है, नहरों में पानी हुई, टाइम से बिजली हुई, यही चाहिए और क्या चाहिए। महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई तो इस समय चरम पर है, तो महंगाई को लेकर के किस तरह? महंगाई के मुद्दे पे आप सही बात कर रहे हैं, महंगाई है ये लोग हम भी देख रहे हैं, लेकिन महंगाई के साथ साथ विकास भी तो हुआ है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त की जाएंगी, लेकिन जब मैं रायबरेली से यहाँ के लिए आ रहा था तो कटघर होते हुए जब मैं आया तो उधर देखा कि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। जी जी जी, गड्ढा मुक्त अभियान, बात तो सही कह रहे हैं आप, ये अभी चलाया गया है जिसपे काम अभी चल भी रहा है और कहीं न कहीं कंप्लीट भी हुआ, कहीं कहीं अभी गड्ढे हैं, उस पर काम कर रही है सरकार। उस पर जो है PWD के सक्षम अधिकारी जो है दौरा भी कर रहे हैं, DM महोदय भी जानकारी में है कि जहां पर नहीं अभी गड्ढा मुक्ति हुआ है वहां पर जल्द से जल्द करवाया जाएगा। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने इस बात को माना है कि इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर होती, कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसके खाते में जीत आती है। कैमरा पर्सन आदिल खान के साथ सिराज अहमद, RCM लाइव न्यूज़, रायबरेली।